गहलोत का सियासी किस्सा, पायलट पर फूटा गुस्सा। राजस्थान में सियासी घमासान, गहलोत के निशाने पर आला कमान। राजस्थान में सियासी घमासान मचा है। अशोक गहलोत सीएम की कुर्सी पर बने रहेंगे या नहीं, इस पर बड़ा फैसला होना है। इंतजार सोनिया गांधी के फैसले का है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच राजस्थान में हुई बगावत को लेकर गहलोत ने बड़ा बयान दे दिया है। राजस्थान के राजनीतिक संकट पर जब गहलोत से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। हमने जाके सोनिया गांधी जी से कह दिया कि भाई 50 साल के इतिहास में पहली बार देखा एक लाइन का प्रस्ताव पार नहीं करवा पाए हम, ये बहुत वास्तव में मुझे आज भी दुख है। तो सबकी ड्यूटी है कि वो एक प्रस्ताव पास करे, विश्वास प्रकट करे कांग्रेस अध्यक्ष पर। पर यहाँ जो परिस्थिति ऐसी बन गई, अब क्यों बन गई उसके ऊपर रिसर्च करने की आवश्यकता है। इस दौरान अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की बगावत का जिक्र करते हुए बीजेपी पर भी निशाना साधा। बातों बातों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाम न लेते हुए पिछली बार पार्टी में बगावत का जिक्र भी किया और कहा कि बीजेपी हमेशा कोशिश करेगी कि कैसे सरकार गिरा दे। हमारे विधायक को अमित शाह ने मिठाई खिलाई थी। बीजेपी पूरी मिली हुई थी उस सब इन लोगों से, अमित शाह के यहाँ मीटिंग हुई थी, सब जानते हैं। विधायक गए थे, कुछ विधायक गए थे, बातचीत भी हुई थी अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, जफर इस्लाम जी, सब बैठे खूब बातचीत कर रहे थे। वो अमित शाह जी खूब मिठाई खिला रहे थे हमारे विधायकों को। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट और उनके समर्थित विधायकों पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी सरकार गिराना चाहती थी और सब जानते हैं कि कुछ विधायक बीजेपी के साथ थे, इसलिए विधायकों ने बगावत करना उचित समझा। दूसरों को स्वीकार करने की जगह बगावत करना ही ठीक था। मैं तो मेरा काम करता रहा हूँ, मैं तो देखता हूँ कि जो काम होते जाए, कलम से करते जाओ। बाकी कोई निर्णय करना है नहीं करना, ये सब हाईकमान का काम है, हमारा काम नहीं होता। दरअसल गहलोत ने अपने बयान के जरिए आलाकमान तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है कि राजस्थान में विधायक डरे हुए हैं, यानी गहलोत एक बार फिर से अपना कद और ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।